धरती पर ज्यादातर खोज एक या दो से अधिक लोगों ने की है। इसका प्रमाण हम काफी आविष्कारों में देख सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर ज्यादातर आविष्कारों को एक या दो लोगों ने मिलकर किया है। वास्तव में कई आविष्कारक अपने स्वयं के आविष्कारों की व्यावसायिक सफलता के आधार पर इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को लिखने में सक्षम रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 13 फरवरी 1895 को ल्यूमियर बंधु ऑगस्टाइन और लुइस द्वारा पेटेंट किए गए सिनेमेटोग्राफ, जो कि 1891 में थॉमस एडिसन द्वारा आविष्कृत डिवाइस काइनेटोस्कोप का एक उन्नत संस्करण से ज्यादा और कुछ नहीं था। इस पुनः आविष्कार में लुमियर बंधुओं ने केवल एक उपकरण को जोड़ा था, जिसे सिलाई मशीन को संशोधित करके बनाया गया था। हालांकि इस छोटे से कार्य को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण फिल्म का उद्घाटन शटर के साथ होना शुरू हुआ, फिल्म सिंक्रोनाइज होना भी शुरू हुई और पुराने उपकरणों की तुलना में मोशन पिक्चर्स को अधिक स्पष्ट प्राप्त करना संभव हो पाया। यह तस्वीर की गुणवत्ता में सुधार के साथ छोटा सा तकनीकी सुधार था, जिसने सिनेमा को जनता में उभरने के लिए और बढ़ावा दिया। इसके अलावा कई वैज्ञानिक खोजों को गलत तरीके से उन लोगों के लिए बताया गया है, जिन्होंने पुराने उपकरणों को केवल संशोधित किया है और संशोधन के बाद उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया है और लोकप्रिय बनाया है। इसी तरह कई वैज्ञानिकों ने पूरी तरह अज्ञात रहते हुए दुनिया और हमारे हर दिन के जीवन को बदल दिया है। एक ऐसा ही अन्य आविष्कार जो कि इसके निर्माता के जैसे ही ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ, वह है पीके जिप, जो कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में सबसे व्यापक और प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर डेटा को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, ताकि जानकारी को सेव करने के लिए आवश्यक स्थान कम हो सके। पीके जिप के बाद विनजिप सहित कई अन्य समान कार्यक्रम विकसित किए गए थे, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि पीके जिप नाम इस कार्यक्रम के दुर्भाग्यपूर्ण आविष्कारक फिलिप कार्ड्स के शुरुआती अक्षरों से लिया गया है। कार्ड्स के प्रोग्राम का आश्चर्यजनक रूप से व्यापक प्रसार कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास में सामाजिक भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जब उपयोगकर्ताओं द्वारा सॉफ्टवेयर के मानक तय किए गए, और वह भी उस समय में जब सॉफ्टवेयर के मानक कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तय करती थी। लाखों उपयोगकर्ताओं ने कार्ड्स के कार्यक्रम को लाभकारी वायरस की तरह अपनाया और उपयोग किया, न केवल पीके जिप की निसंदेह दक्षता के लिए, बल्कि सिस्टम्स एनहांसमेंट्स एसोसिएट्स नाम की कंपनी के विरोध में, जिसने कार्ड्स को अदालत में घसीटा था। कार्ड्स ने SEA द्वारा विकसित ARC कंप्रेशन प्रोग्राम के एक उन्नत संस्करण PKARC को विकसित किया और स्वतंत्र रूप से वितरित किया, जिसने बाद में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए कार्ड्स पर मुकदमा दायर किया। SEA के साथ एक समझौते के बाद कार्ड्स पर जुर्माने का फैसला हुआ और कार्ड्स ने अपनी मूल परियोजना, जिसका नाम PKARC था, को छोड़कर केवल पीके जिप पर काम करने का फैसला किया, जिसका कंप्रेशन सिस्टम PKARC से बिल्कुल अलग था। और कुछ महीनों के भीतर ही कार्ड्स के जुनून और उनके कार्यक्रम के प्रति उत्साही उपयोगकर्ताओं ने कंप्रेशन के लिए जिप को एक नए मानक में बदल दिया। 1993 में मिलवॉकी जर्नल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने कार्यक्रम को केवल एक शौक के रूप में लिखा था। 14 अप्रैल 2000 को 37 साल की उम्र में उनकी अकेलेपन में मृत्यु हो गई, जब उनका शरीर विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में एक मोटेल में शराब की खाली बोतलों से घिरा हुआ मिला था। बिल गेट्स। एक बहुत ही अलग भाग्य लेकर पैदा होने वाले व्यक्ति विलियम हेनरी गेट्स उर्फ बिल गेट्स, जिनको उनके भाग्य ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में बदल दिया।
उनकी चतुर चालों को शुक्रिया कहना चाहिए जिसने उन्हें वर्षों से खुद की एक विजेता जैसी छवि पेश करने की अनुमति दी। उन्हें कंप्यूटर विज्ञान के अग्रदूत और अनगिनत आविष्कारों के जनक होने का श्रेय दिया जाता है जो आधुनिक कैलकुलेटर का एक तरीके से हिस्सा बन गए हैं। यहाँ भी इतिहास का वही विरूपण था जिसने लूमियर बंधुओं को सिनेमा के आविष्कारकों में बना दिया था। इस तथ्य के बावजूद कि उनका काम सिनेमेटोग्राफी के विकास बनाने के बजाय आगे बढ़ाने का काम करता है। और कुछ इसी तरह के इतिहास ने बिल गेट्स को कंप्यूटर विज्ञान में अपने इतिहास को लिखने की अनुमति दी। इस ब्रह्मांड में बिल गेट्स एक स्वनिर्मित आदमी है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस बनाया, प्रोग्रामिंग भाषा बेसिक का आविष्कार किया और विंडोज आधारित यूजर इंटरफेस बनाया और माउस के एक क्लिक पर कंप्यूटर को सुलभ बनाया। ये चाहे इन्होंने जैसे भी किया, लेकिन जो हमें दिख रहा है वही सच है। व्यापक रूप से यह समझा जाता है कि बिल गेट्स ने आईबीएम की साझेदारी में पर्सनल कंप्यूटर्स का आविष्कार किया था, लेकिन वास्तव में उससे पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। 1965 में इतालवी इंजीनियर पियर जियोर्जियो पेरोटो ने प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का एक उन्नत मॉडल ओलिवेटी प्रोग्रामा 101 विकसित किया था, जिसे उनके पिता के नाम से पेरोटिना भी कहा जाता है। यह प्रोग्राम योग्य कैलकुलेटर व्यक्तिगत कंप्यूटर के पहले प्रोटोटाइप में से एक माना जाता है और ओलिवेटी ने इस मॉडल के 44,000 कैलकुलेटर भी बेचे थे। यह बुनियादी गणितीय कार्यों के एक सेट को करने में सक्षम था और इसकी आंतरिक मेमोरी को भी बढ़ाया जा सकता था। पेरोटो कहते हैं कि मैंने एक अनुकूल मशीन का सपना देखा था जो मुझे त्रुटियों और मानसिक तनाव का संचालन करने वाले कार्यों से छुटकारा दिला सकती थी और मेरा काम भी कर सकती थी। एक ऐसी मशीन जो सीख सकती थी और फिर आसानी से उस काम को एग्जीक्यूट भी कर सकती थी, जो डेटा और सरल सहज निर्देशों को संग्रहित भी कर सकती थी और जिसका उपयोग हर कोई सस्ती कीमत के साथ कर सकता था। 1973 में फ्रांस में आधुनिक कंप्यूटर का एक नया वर्जन विकसित किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वजों यानी कि वह कंप्यूटर जो सबसे पहले कंप्यूटर जेनरेशन में से एक थे, उन्हें माइक्रल कहा जाता था और जिनको डिजाइन किया था आंद्रे थी ट्रियोंग ने, जो कि वियतनामी मूल के एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। माइक्रल 8088 प्रोसेसर पर आधारित था। इसकी लागत $1,750 थी और इसके कामकाज के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर फिलिप कान द्वारा विकसित किया गया था। दुर्भाग्य से माइक्रल को जल्द ही बाजार से हटा दिया गया था। 1975 तक कैलकुलेटर एक व्यापक उत्पाद बन गया था और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई कंप्यूटर क्रांति हुई और सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर ऑल्टेयर सामने आया। अमेरिकी पर्सनल कंप्यूटर का जन्म 1975 में हुआ था जब पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मैगजीन के जनवरी अंक ने पहली बार ऑल्टेयर 8800 को अपनी किताब में छापा था। यह मशीन कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। विशेष रूप से यह हैकर्स की दूसरी पीढ़ी के लिए एक काम की मशीन बन गई थी और इस तरह से हार्डवेयर हैकर्स ने इस मशीन के एक एक उपकरण को खंगाला कि यह किस तरह से काम करती है और फिर इस नई कंप्यूटर की पीढ़ी को एक नई मेनफ्रेम हैकर्स की पहली पीढ़ी विरासत में मिली। और MIT छात्र जिन्होंने पहले भी कैलकुलेटर और उनके विक्रेताओं और कीबोर्ड के साथ काम किया था, उन्होंने कंप्यूटर विशेषज्ञों के एकाधिकार पर व्यवस्थित रूप से सवाल भी उठाए। आज भी कंप्यूटर उत्पादों के बनने से पहले उनके विज्ञापन पहले आ जाते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑल्टेयर 8800 था। पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑल्टेयर का चित्र विशेष रूप से एक ऐसा ही उपकरण था जो कि तब बना ही नहीं था। यह बिल्कुल भी काम नहीं करता था, लेकिन इसका विज्ञापन पहले ही कर दिया गया था और बहुत बाद में
हजारों मशीनों के ऑर्डर दिए गए। ऑल्टेयर को एक स्वतः असेंबली किट में बेचा गया था, जिसका अंतिम परिणाम एक धातु का बक्सा था, जिसके सामने के पैनल में केवल इनपुट डिवाइस बनाने वाले स्विच की एक पंक्ति थी और छोटे लाल प्रकाश आउटपुट डिवाइस की दो पंक्तियों में थे। यह इंटेल 8080 प्रोसेसर पर आधारित था। इसकी कीमत $397 थी और इसमें 256 बाइट्स की मेमोरी थी। सामने के पैनल के स्विच का उपयोग करके मशीन को चालू करना पड़ता था और ऐसा बार बार करने के कारण उस समय के कंप्यूटर के शौकीनों की उंगलियों पर छाले और अल्सर भी हो जाया करते थे। पहले अमेरिकी पर्सनल कंप्यूटर का नाम लॉरेंस सोलोमन ने रखा था, जो कि पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स के निदेशक और एड रॉबर्ट्स के दोस्त लेस्ली सोलोमन की 12 वर्षीय बेटी थी। ऑल्टेयर नाम का सुझाव उसे टीवी श्रृंखला स्टार ट्रैक से मिला था। 1964 में माइक्रल और ऑल्टेयर के आगमन से पहले डार्टमाउथ कॉलेज, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में था, वहां जॉन कोमेनी और थॉमस कर्ट्स ने बेसिक नाम की सबसे प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया। इस प्रोग्रामिंग भाषा ने उपयोगकर्ताओं को प्रिंट और इनपुट जैसे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके निर्देशों को कंप्यूटर में फीड करने की अनुमति दी और इस तरह से एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा का आगमन हुआ जिसे लोगों ने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया और कुछ ही समय में एक व्यापक जनता कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में दिलचस्पी लेने लगी। 1940 में अपने परिवार के साथ बुडापेस्ट से न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान करने वाले केमिनी कंप्यूटर विज्ञान की ओर रुख करने से पहले कई वर्षों तक एल्बर्ट आइंस्टाइन के गणित सहायक रहे थे। 4 मई 1964 को बेसिक में लिखे गए पहले प्रोग्राम को केमिनी और कर्ट्स ने सुबह 2 बजे डार्टमाउथ कॉलेज में चलाया था। 5 मार्च 1975, यह वह दिन था जब मेनलो पार्क सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया के फ्रेंच गैराज में पहली बार एकमात्र कंप्यूटर क्लब बना, जिसे होमब्र्यू कंप्यूटर क्लब नाम दिया गया। यह पहला हार्डवेयर हैकर क्लब था जिसमें अन्य लोग भी शामिल थे, जैसे बिल गेट्स, स्टीव वोजनियाक, गैरी किल्डल और कंप्यूटर के कई अन्य अग्रणी। होमब्र्यू कंप्यूटर क्लब की बैठकें हार्डवेयर विचारों, कार्यक्रमों, सूचनाओं और परियोजनाओं के आदान प्रदान के लिए एक जरिया बन गईं। लेकिन इन सब के बावजूद ऑल्टेयर 8800 ही ज्यादातर सबके ध्यान का केंद्र होता था। यहीं से बिल गेट्स और पॉल एलन, जिन्होंने हार्वर्ड में एक साथ पढ़ाई की थी, इन्होंने ऑल्टेयर के लिए अपने बेसिक इंटरप्रेटर को बढ़ावा देने के लिए एड रॉबर्ट्स को बुलाया। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बेची गई सॉफ्टवेयर की पहली कॉपी थी और उस समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम हाइफन के साथ इस्तेमाल किया जाता था, जो कि 1976 में एक एकल शब्द बन गया। बेसिक की बिक्री के समझौते पर 2 जनवरी 1975 को सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए थे। यह सौदा एक उत्कृष्ट सौदा साबित हुआ, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर निगम बनने के लिए सफलता के दरवाजे खोल दिए थे। बड़े पैमाने पर जनता केमिनी और कर्ट्स के नामों को जल्दी से भूल गई और बाद के वर्षों में बिल गेट्स का नाम अधिक से अधिक निकट रूप से बेसिक के आविष्कार के साथ जुड़ गया। एड रॉबर्ट्स के साथ समझौते के बाद गेट्स और एलन ने डिस्क यूनिट के साथ ऑल्टेयर को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम लिखा। जून 1975 की एक रात, जब होमब्र्यू कंप्यूटर क्लब ने बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा कोड कॉपी कर लिया और मुफ्त वितरण के लिए ऑल्टेयर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रतियां बनाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद 3 फरवरी 1976 को इस पायरेटेड प्रतियों के प्रसार के बाद बिल गेट्स ने होम ब्रीवर हॉबिस्ट को एक खुला पत्र लिखा। इसे कंप्यूटर नोट्स नाम के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इस गैर अधिकृत प्रतिलिपि पर खुले तौर पर हमला किया था। हालांकि अनियंत्रित कार्यक्रम वितरण के खिलाफ बिल गेट्स का मुख्य तर्क यह था कि इस तरह से पायरेटेड कॉपियां बनाकर बेचने से कंप्यूटर उत्पाद कम लाभ के रह जाएंगे और यह
प्रोग्रामर को भी हतोत्साहित करेगा। लेकिन 1991 में गेट्स के सिद्धांत गलत साबित हुए, जब GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुफ्त वितरण ने दुनिया भर के हजारों प्रोग्रामरों के काम को निर्णायक रूप से प्रोत्साहित किया। 22 मई 1977 को रॉबर्ट्स ने कंप्यूटर के बाजार को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि आंशिक रूप से गेट्स की कंपनी की मांग बढ़ती ही जा रही थी और 35 साल की उम्र में रॉबर्ट्स ने अपनी कंपनी को परटेक को बेच दिया। उसके बाद ये कई मिलियन डॉलर के चेक के साथ जॉर्जिया चले गए और मर्सर यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल छात्र के रूप में इन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। परटेक के अधिग्रहण के बाद की कानूनी लड़ाई ऑल्टेयर की बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित थी, जिस पर परटेक द्वारा दावा किया गया था। गेट्स और एलन के साथ यह मामला अदालत के सामने लाया गया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के दावों को सही ठहराया। जब सर क्लाइव सिंक्लेयर उन्होंने ZX80 को डिजाइन किया और बिक्री के लिए विज्ञापन दिए। यह एक ऐसी मशीन थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर से होम कंप्यूटर तक के मार्ग को बनाया। पूरे यूरोप को जल्दी ही ZX80 की 100 प्रतियां मिल चुकी थीं। होम कंप्यूटर का युग 1982 में कॉमोडोर कंप्यूटर्स द्वारा चलाया जा रहा था। इस कंपनी ने दो मशीनों का उत्पादन किया, जिनके नाम थे VIC-20 और CBM कॉमोडोर 64। कुछ महीनों के भीतर ही VIC-20 की हर महीने 1,00,000 प्रतियां तक बेची गईं। और इसी बीच मार्च 1981 में ZX81 बनाने के बाद सिंक्लेयर ने ZX स्पेक्ट्रम के उत्पादन को गति दी। माइक्रोसॉफ्ट के लिए बड़ा अवसर जुलाई 1980 में आया, जब बिल गेट्स को IBM ने संपर्क किया। उस समय IBM कंप्यूटिंग के बिजनेस में एक लीडर की तरह था। हालांकि बाद में एक बैठक के दौरान गेट्स ने IBM के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जिसे प्रोजेक्ट चेस नाम दिया गया था। लेकिन यह बात आज भी राज है कि क्यों IBM ने अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर के जन्म के लिए केवल 25 वर्ष की आयु के एक पुरुष को अपनी कंपनी के साथ जोड़ने का फैसला किया। एकमात्र तथ्यात्मक जानकारी जो हमें माइक्रोसॉफ्ट और IBM के बीच के संबंधों के कारणों को समझने में मदद कर सकती है, वह है बिल गेट्स की मां मैरी, जो कि सिएटल की एक प्रमुख नागरिक थीं। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मैरी गेट्स यूनाइटेड वे के बोर्ड सदस्य के रूप में परिवारों के हितों का ख्याल रख रही थीं। और यूनाइटेड वे के ही निदेशक मंडल के एक अन्य विशिष्ट सदस्य थे जॉन ओपेल, जो IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। प्रोजेक्ट चेस के निर्माण के लिए एक अन्य उम्मीदवार गैरी किल्डल भी थे, जिनके नेतृत्व में डिजिटल रिसर्च था, जो लंबे समय से CP/M माइक्रो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रहे थे। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो IBM के नए कंप्यूटर सिस्टम पर पूरी तरह से काम कर सकता था। गैरी किल्डल के साथ एक समझौते तक पहुंचने में IBM की विफलता को अक्सर कंप्यूटर के इतिहास में सबसे बड़ी चूक के रूप में वर्णित किया जाता है। लेकिन इस कहानी के भी अलग अलग संस्करण हैं। IBM के संस्करण के अनुसार किल्डल से बात करने के बाद एक लंबे विलंब के बाद IBM के अधिकारी जब इंतजार करते करते थक गए और उन्होंने किल्डल के साथ इस सौदे को बंद कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि IBM ने ऐसी प्रतिबंधात्मक शर्तें प्रस्तावित की थीं, जिसे किल्डल स्वीकार करने में असमर्थ थे। IBM ने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मुश्त भुगतान करने का प्रस्ताव रखा था और IBM द्वारा बेची गई CP/M की प्रतिलिपि के लिए किल्डल को रॉयल्टी का भुगतान करने से भी मना कर दिया गया था। और यहीं से इनकी वार्ता में गतिरोध आया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए दरवाजा खोला। IBM के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाएं। बिल गेट्स और उनके सहयोगी कभी भी अकेले काम खत्म करने में सक्षम नहीं थे, जबकि IBM ने काफी कम समय सीमा रखी थी
और गुणवत्ता के मानकों का भी काफी कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था। सितंबर 1980, जब आईबीएम के साथ अपने समझौते को देखते हुए गेट्स ने इसे बड़ी चालाकी से खेलने का फैसला किया। $50,000 की मध्यम राशि के लिए उन्होंने सिएटल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यूडॉस क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदने का फैसला किया। कुछ परिवर्तनों के बाद क्यूडॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जो आईबीएम के द्वारा निर्धारित किए गए मानकों पर खरा उतर रहा था। बाद के वर्षों में बिल गेट्स ने खुद को एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर की तरह पेश किया और अपने उत्पाद को बेचकर अपना भाग्य बनाया, जो मूल रूप से किसी और के द्वारा तैयार किया गया था। गेट्स ने टिम पैटरसन के साथ एक समझौते पर बातचीत की। यह वही प्रोग्रामर थे जिन्होंने क्यूडॉस के लिए लाइसेंसिंग के लिए बिल गेट्स की मदद की थी। इस समझौते के अनुसार इस उत्पाद को फिर से बेचा जा सकता था और आईबीएम स्वयं क्यूडॉस के संभावित खरीदारों में से एक था। इस अनुबंध में एक क्लॉज दिया गया था जिसमें कहा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ग्राहक की पहचान करने के लिए बाध्य नहीं है, और संभावना यह भी थी कि वह ऑपरेटिंग सिस्टम पैटरसन का क्यूडॉस नहीं लेकिन संभवतः गैरी किल्डल का CPBM हो सकता है, जिसमें से लगातार संशोधनों के बाद अंतिम उत्पाद को वितरित किया गया था। CPBM और क्यूडॉस के बीच संबंधों का एक विस्तृत विवरण बिल गेट्स ऊना बायोग्राफिया नॉन ऑथोरिजाता नाम की एक किताब में पाया जा सकता है, जो बिल गेट्स की एक अनाधिकृत जीवनी है। जब यह स्पष्ट हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट टिम पैटरसन के ऑपरेटिंग सिस्टम को आईबीएम को बेचेगा, तब गैरी किल्डल ने एक कानूनी कार्रवाई की घोषणा करते हुए इन सभी शामिल प्रोग्रामर को एक विडंबनापूर्ण कॉल किया और कहा कि आपने मेरी CP/M की प्रतिलिपि बनाई है और मैं सब पर मुकदमा करूंगा। इस मुकदमे के बचाव में पैटरसन ने कहा कि मैंने कभी किंडल के कोड को नहीं देखा है, मैंने केवल इसका मैनुअल ही पढ़ा है। किंडल के पक्ष में बहुत सारे तत्व हैं और अलग अलग मौकों पर कंप्यूटर विशेषज्ञों ने यह महसूस किया कि कोड के साथ कई ऐसे बिंदु हैं जो डिजिटल रिसर्च के संस्थापक ने अपने CP/M को डिजाइन करने के लिए लिखे थे। स्टेग्लियानो आगे बताते हैं कि IBM ने MS-DOS पर किसी भी दावे को त्यागने के लिए किल्डल को $800,000 की पेशकश की ताकि वह इस कहानी को रोक सके। 6 जुलाई 1994, जब 52 साल की उम्र तक माइक्रोसॉफ्ट और IBM के खिलाफ लड़ाई के बाद गैरी किल्डल की मृत्यु हो गई। यह एक ऐसी प्रतिभा का दुखद अंत था जो बिल गेट्स के बजाय दुनिया के सबसे अमीर आदमी की भूमिका निभा सकता था, वह भी भाग्यशाली हो सकता था। यह कंप्यूटर विज्ञान के एक अग्रणी व्यक्ति की मौत थी, जो कि प्रोग्रामिंग कार्य के सबसे मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम को जीवन देने वाले थे। 12 अगस्त 1981, जब 8086 माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित पहला IBM पर्सनल कंप्यूटर न्यूयॉर्क के वाल्डोर्फ एस्टोरिया पार्टी हॉल में एक शानदार शुरुआत के साथ लॉन्च किया गया। बुनियादी मॉडल में 16 KB रैम और एक 5.14 की फ्लॉपी ड्राइव थी। इसकी लागत $1,565 थी और ऑपरेटिंग सिस्टम स्पष्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट डॉस था। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक 2 साल और 10 दिन के बाद विंडोज 1 लॉन्च किया। इस तरह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने मनपसंद प्रोग्राम को जनता के बीच लाना शुरू कर दिया था। 1989 में स्टेक होल्डर्स एक रणनीतिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब 2 अप्रैल 1987 को शुरू हुआ था, जब IBM ने एक नई कंप्यूटर लाइन लॉन्च की जिसे PS/2 कहा गया, और वह भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जिसका नाम था OS/2, जो IBM और माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के संयुक्त प्रयासों का उत्पाद था। इस समझौते के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट को OS/2 के पक्ष में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना चाहिए था,
लेकिन तभी बिल गेट्स ने आईबीएम के साथ अपनी पार्टनरशिप छोड़ने का फैसला किया और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। 22 मई 1990 को $3 मिलियन के खर्चे के साथ पूरे विश्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और इस दौरान विंडोज के तीसरे वर्जन को प्रस्तुत किया गया। इस दरार ने उस दशक के अंत को चिन्हित किया जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर को मानक के रूप में लागू करने में कामयाबी हासिल की थी और आईबीएम ने एप्पल और दूसरी छोटी कंपनियां जैसे अटारी, कॉमोडोर, सिनोरेयर और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स को कुचलने के लिए अपनी विशाल आर्थिक शक्ति को बर्बाद कर दिया था। हालांकि इन छोटी कंपनियों ने आईबीएम की तुलना में बहुत पहले पर्सनल कंप्यूटर और होम कंप्यूटर के क्षेत्रों में प्रवेश किया था, लेकिन उनके पास माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के जितने बड़े वित्तीय साधन नहीं थे। 24 अगस्त 1995 को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 95 को माइक्रोसॉफ्ट ने बाजार में उतारा और 11 अप्रैल 1997 यह वह दिन था जब दुनिया भर में 14 मिलियन से ज्यादा कंप्यूटर अनाथ होने जा रहे थे क्योंकि आईबीएम ने OS/2 को विकसित करने के लिए अपनी परियोजना की समाप्ति की घोषणा कर दी थी।